Nobody. Nobody. Does it better. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल बंदा। तो गाइस, न्यूज़ यह है कि मैं वायरल बंदा का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। और गाइस, सेकंड न्यूज़ यह है कि अब से कुछ दिनों के लिए आपको रियलमी 3 प्रो पर कोई भी कस्टम रोम का रिव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यार मेरे पास अभी डिवाइस नहीं है। और गाइस, तब तक के लिए मैं आपको बना कर दूंगा रियलमी एक्स के लिए वीडियो, और आगे भी हम रियलमी एक्स को रियलमी 3 प्रो के साथ कंटिन्यू करेंगे। और गाइस, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने सब्सक्राइबर्स जो है मेरे वो रियलमी एक्स यूज़ करते हैं और क्या सपोर्ट मुझे रियलमी एक्स की तरफ से मिलने वाला है। पर गाइस, होप कि जो आपका सपोर्ट है वो कम नहीं होगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो यार, ये मेरी पहली कस्टम रोम रिव्यू है रियलमी एक्स पर, और यहाँ पर जो है लेटेस्ट रोम आ रखी थी MSM एक्सटेंडेड, तो मैंने सोचा कि चलो इसी पर वीडियो बना लेते हैं। तो यार, सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में लेकर जाऊंगा और अबाउट फोन में हम जाकर देखते हैं। तो रियलमी एक्स हमारी डिवाइस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और गाइस हम जाते हैं फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MSM एक्सटेंडेड का एक एनिमेशन आपको देखने के लिए मिला टॉप पर। उसके नीचे MSM एक्सटेंडेड XQ वर्जन 12.0 एक्सप्लॉइटेड, इसका गाइस पूरा नाम है ये। और गाइस, यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, जो मेंटेनर है इनका नाम है हाइपर क्लिरिक। अगर हम बात करें सिक्योरिटी पैच लेवल की, तो 5th अगस्त 2020 यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, कर्नल की बात करें तो यहाँ पर 4.9.186 टोन कर्नल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इस रोम की परफॉर्मेंस, कस्टमाइजेशन और बैटरी लाइफ कैसी होगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसमें क्या बग्स है और क्या बग्स फिक्सेस हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MSM एक्सटेंडेड का सिग्नेचर वॉलपेपर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड होम लॉन्चर वर्जन 3 देखने के लिए मिल जाता है गाइस, जिस पर जो आइकन है वो थोड़े थोड़े लेने जो है टाइप ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और गाइस, जो आपकी न्यूली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है वो आपको पेज के राइट साइड पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो गूगल कार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर लेटेस्ट गूगल की न्यूज़ अपडेट होती रहती है। गाइस, अगर ब्राउज़र की बात करें तो यहाँ पर आपको वाया ब्राउज़र देखने के लिए मिलता है, क्रोम नहीं मिलता। और बात कर लेते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको स्नैप कैमरा प्री इंस्टॉल मिल जाता है गाइस, जो कि यहाँ पर अच्छे से वर्किंग है। पर गाइस, आपको इस पर जी कैम यानी गूगल कैमरा वर्किंग नहीं मिलता है। और गाइस, आप जैसे ही गूगल बोलते हो तो ये देख सकते हैं आपकी गूगल सर्च ट्रिगर हो गया है, और ये हमारी बातें रिकॉर्ड भी कर रहा है। गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम पैनल की, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम पैनल कैसा नज़र आता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे जो वॉल्यूम पैनल है उसका जो कॉर्नर से मैंने राउंड कर रखे हैं, तो आप पूरी यूजर इंटरफेस को राउंड कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर आप अगर नोटिफिकेशन पैनल भी देखोगे तो ये जो आपको पैनल्स दिखते हैं गाइस, ये भी राउंडेड कॉर्नर्स में ही आपको नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा हेडर भी राउंड है, हमारा नोटिफिकेशन पैनल भी राउंड है, और क्विक सेटिंग पैनल भी यहाँ पर राउंड आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, जो वॉल्यूम पैनल है इस पर ग्रेडियंट कलर यानी ग्रेडियंट एक्सेंट हमारे जो है वो अप्लाई हो चुका है, और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी, क्योंकि हमने क्लियर थीम अप्लाई कर रखा है गाइस। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है उसका बैकग्राउंड भी आपको दो कलर ग्रेडियंट्स में नजर आता है। और गाइस, यहाँ पर जो QS पैनल के टाइल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि रैंडम कलर्स यानी डिस्को कलर्स में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस बॉर्डर, तो नोटिफिकेशन पैनल का बॉर्डर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में ब्लर वगैरह भी इनेबल कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर हम बैटरी ट्रैक कर रहे हैं FK कर्नल मैनेजर का यूज़ करके, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले गाइस, हम यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने वन UI स्टाइल इनेबल कर रखा है, यानी कि वन थंब UI। इसको आप एक अंगूठे से जो है कंट्रोल कर सकते हो। आप जानते हैं कि फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वन हैंड से, पर इस UI ट्वीक की वजह से आपको जो है वन हैंड कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। गाइस, अगर हम जाते हैं यहाँ से एक्सटेंशंस के अंदर, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है पूरा MSM एक्सटेंडेड का फीचर पैनल। यहाँ पर सबसे पहले आपको थीम रूम देखने के लिए मिलता है। थीम रूम में गाइस, सबसे पहले आपको सिस्टम थीम देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर डिफरेंट थीम स्टाइल्स अवेलेबल हैं, डार्क चॉकलेट, पिच ब्लैक, ग्रे मटेरियल और एक्सटेंडेड क्लियर, जो कि ट्रांसपेरेंट थीम होता है गाइस, और आप लाइट थीम भी इनेबल कर सकते हो गाइस। बाकी अगर हम एक्सेंट कलर की बात करें तो दो डिफरेंट कलर आप चूज कर सकते हो ग्रेडियंट स्टाइल क्रिएट करने के लिए। गाइस, यहाँ पर आप बॉडी फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो सिस्टम के, तो काफ़ी सारे फॉन्ट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर गाइस, आइकन शेप की बात करें तो पेबल, वेसल, राउंडेड, हेक्सागन वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी सारे आइकन स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं। गाइस, सेटिंग्स के जो आइकन और बैकग्राउंड है उनका, तो उनका जो कलर वगैरह है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रैंडम बैकग्राउंड कलर्स, रैंडम आइकन कलर्स यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। QS स्टाइल की बात कर लेते तो गाइस, यहाँ पर मैंने नियॉन अभी इनेबल कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने नियॉन स्टाइल इनेबल कर रखा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो गाइस। बहुत सारे यहाँ पर QS स्टाइल अवेलेबल है, जैसे कि मैं अभी इंक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इंक स्टाइल यहाँ पर इनेबल हो गया है QS स्टाइल के लिए। और गाइस, यहाँ पर टेंट मोड जो है आप इनेबल कर सकते हो रैंडम कलर, रैंडम एक्सेंट के लिए। और गाइस, यहाँ पर जो उनका लेबल है, टाइटल है, उनका कलर भी जो है रैंडम कलर्स में अप्लाई कर सकते हो। ग्रेडियंट QS बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड पैनल को ग्रेडियंट भी कर सकते हो। हेडर की बात करें तो गाइस, यहाँ पर ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे, ट्रांसपेरेंट हेडर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। आर्ट स्टाइल नोटिफिकेशन को आप इनेबल कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे जो आपको हेडर दिख रहा है गाइस अलर्टिंग नोटिफिकेशन का, ऐसा आपको एंड्रॉइड आर में देखने के लिए मिलता है।
और गाइस वन यूआई स्टाइल जो है वन थम यूआई आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। गाइस अब हम चलते हैं डेकोर रूम में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एम्बिएंट डिस्प्ले। तो चलते हैं हम एम्बिएंट डिस्प्ले में, और गाइस यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि गाइस यहाँ पर आपको अच्छे से वर्किंग मिल जाता है। आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो पर यहाँ पर हमारे जो फिंगरप्रिंट है FOD उसका आइकन भी अवेलेबल है, और यहाँ पर आप एनिमेशंस वगैरह भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको थोड़ी देर से दिखाता हूँ। ऑलवेज ऑन के अलावा गाइस आप यहाँ पर डबल टैप टू वेक इनेबल कर सकते हो, न्यू नोटिफिकेशंस वेक इनेबल कर सकते हो, ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग, लिफ्ट टू चेक फोन, ये सब आपको वर्किंग मिल जाता है गाइस। अब चलते हैं गाइस हम एम्बिएंट AOD कस्टमाइजेशन पर, तो यहाँ पर आप एम्बिएंट टेक्स्ट इनेबल कर सकते हो, टेक्स्ट एनिमेशन इनेबल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू एक्सटेंडेड का यहाँ पर टेक्स्ट है, तो एक काम करते हैं हम एम्बिएंट डिस्प्ले को इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो एज लाइटिंग है ये भी अच्छे से वर्किंग है, और यहाँ पर जो टेक्स्ट आया हमारा वेलकम टेक्स्ट वो भी आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि गाइस एम्बिएंट पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी गैलरी से इमेज अप्लाई कर सकते हो और आपके एम्बिएंट डिस्प्ले पर वो इमेज शो होगी। और गाइस अब हम यहाँ से बैक चलते हैं, एनिमेशंस की बात कर लेते हैं। तो गाइस एनिमेशन में आप सारे सिस्टम के एनिमेशन इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, और जो हमारा QS पैनल एनिमेशंस है और स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस है वो भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपको क्लॉक स्टाइल्स देखने के लिए मिल जाता है, तो मैंने क्लॉक को फिलहाल सेंटर में कर रखा है, आप देख सकते हैं, और उसका जो फॉन्ट है मैंने वो भी चेंज कर रखा है गाइस। तो आप ये सब कर सकते हो, और साथ में डेट वगैरह भी आप इनेबल कर सकते हो, और जो इनका कलर है गाइस डेट और क्लॉक का वो भी आप चेंज कर सकते हो, और साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जेस्चर्स के अंदर चलते हैं गाइस, जेस्चर्स में आपको USP जेस्चर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिस पर जंप टू कैमरा, प्रीवेंट रिंगिंग और अडैप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन अवेलेबल है। जेस्चर एनीवेयर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड से एक पैनल निकल आएगा जहाँ पर आप अपने जेस्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, तो आप अपने कस्टम एक्शन सेट कर सकते हो अपने कस्टम जेस्चर्स पर। यहाँ से हम बैक चलते हैं गाइस, आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप टू स्क्रीन शॉट, स्क्रीन ऑफ, पावर बटन टॉर्च का, और गाइस यहाँ से हम चलते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर। तो लॉक स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिल जाता है लॉक स्क्रीन UI, जिसमें आप क्लॉक स्टाइल वगैरह जो है चेंज कर सकते हो, कस्टम क्लॉक स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो साइज़ है, टाइपोग्राफी, क्लॉक साइज है, डेट वगैरह के लिए भी सेम ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, कस्टम फॉन्ट्स, कस्टम स्टाइल अवेलेबल है तो देखने के लिए मिल जाता है, आइकन कस्टमाइजर। तो यहाँ से आप जो फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले यानी FOD के आइकन्स है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल का इस ट्राइंगल लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा, अभी मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एनिमेशन आ जाएगा, और इस आइकन को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका की शील्ड लगाकर आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए गाइस जो शील्ड है वो शो नहीं हो रही है ढंग से, पता नहीं क्यों, मैं कोई दूसरा आइकन लगा देता हूँ जैसे कि ये। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला आइकन अप्लाई हो चुका है, और अब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन एनिमेशन की। तो यहाँ पर कस्टम एनिमेशन अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा एनिमेशन अवेलेबल है, यहाँ पर हम लगाते हैं गाइस OnePlus ट्राइप, फिर देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है। तो ये देखिए गाइस अब जो एनिमेशन है वो चेंज हो चुका है, और गाइस ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है FOD बिहेवियर, अगर आप सॉलिड कलर पर रखोगे तो स्पीड जो है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन की वो थोड़ी स्लो हो सकती है, इसलिए आप इसको डिफॉल्ट पर ही सेट रखे रहें। और गाइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है लॉक स्क्रीन विजुअलाइजर, नोटिफिकेशन काउंट, LS एनिमेशन, जो चार्जिंग एनिमेशन है गाइस वो आपको कस्टम देखने के लिए मिल जाता है, 4-5 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट अनलॉक गाइस यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो फोर्स अनलॉक के लिए, और स्टेटस बार को आप लॉक स्क्रीन पर हाइड भी कर सकते हो। गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से नेविगेशंस में, और नेविगेशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, जिस पर 2 बटन, 3 बटन और कंप्लीट जेस्चर नेविगेशन अवेलेबल है गाइस। और आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे नोटिफिकेशंस, जिस पर आप इनेबल कर सकते हो गाइस एज लाइटिंग। तो एज लाइटिंग में फेडेड और सॉलिड 2 ऑप्शन अवेलेबल है, रिपीट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और रैंडम कलर्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। आपकी एम्बिएंट डिस्प्ले की ब्राइटनेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी ब्राइटनेस आपको रखनी है एम्बिएंट डिस्प्ले पर। फिर हम चलते हैं पावर मेन्यू में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एडवांस रिस्टार्ट और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन और ऑन द गो का ऑप्शन। तो यहाँ से हम बैक चलेंगे गाइस, आप चलते हैं क्विक सेटिंग्स में। क्विक सेटिंग्स में आप कस्टम रोज और कॉलम का जो साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप हेडर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हेडर आपको लगा के दिखा देता हूँ, तो एक्चुअली हेडर ऑलरेडी लगा हुआ है गाइस यहाँ पर, ये एक हेडर ही है, मैं इसको चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि हेडर हमारा चेंज हो गया है गाइस। यहाँ से हम बैक चलते हैं, आपको वाइब्रेट ऑन टच जो कि स्टाइल है उस पर इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, डेटा यूज इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डेटा हमारा यूज़ हो चुका है आज के दिन। और गाइस यहाँ पर जो क्लियर ऑल टेक्स्ट बटन आप इनेबल कर सकते हो, फुटर टेक्स्ट वगैरह आप इनेबल कर सकते हो, ब्राइटनेस स्लाइडर की पोजीशन टॉप बॉटम आप कर सकते हो, और ब्राइटनेस बटन्स जो है ऑटो ब्राइटनेस बटन वो भी इनेबल आप कर सकते हो, सेटिंग आइकन्स जो है आप उसको भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। गाइस अब हम यहाँ से भी बैक चलते हैं और चलते हैं स्टेटस बार में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर्स, जो कि मैंने इनेबल कर रखे हैं और वर्क भी कर रहे हैं गाइस। यूज़ ओल्ड मोबाइल टाइप स्टाइल आइकन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन काउंट, 4G LTE स्विच, वोल्टी आइकन्स आप इनेबल कर सकते हो गाइस, और यहाँ पर 3-4 वोल्टी ऑप्शंस अवेलेबल हैं गाइस, दोनों ही सिंपल वोल्टी काम कर रहा है। और गाइस आप अपने स्टेटस बार पर स्वाइप करके जो है ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस।
यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्रीदिंग SMS, ब्रीदिंग मिस्ड कॉल्स का, तो आप इनेबल कर सकते हो ना। गाइस अब हम चलते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम में आपको देखने के लिए मिल जाता है स्मार्ट पिक्सल, जो कि आपके अनयूज पिक्सल्स को डिसेबल कर देता है और इससे थोड़ी बहुत पावर सेविंग हो सकती है गाइस। और गाइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है सस्पेंड एक्शंस, टाइम इन स्टे, डोज सेटिंग्स, एग्रेसिव बैटरी मोड और पॉकेट डिटेक्शन, ADB नोटिफिकेशन। ऐसी लिनक्स गाइस बाय डिफॉल्ट आपको परमिसिव मिलता है, इसको एनफोर्सिंग पर भी सेट कर सकते हो गाइस। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं एक्स्ट्रास में चलेंगे, तो गाइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कीबोर्ड एंड IME कंट्रोल्स, गेमिंग मोड देखने के लिए मिल जाता है जिसको आप इनेबल कर सकते हो गेम्स के लिए। और गाइस यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स का जो आपका रेडियस है स्टेटस बार का, वो आप सेट कर सकते हो अगर आपके आइकन्स ओवरलैप हो रहे हैं तो। चार्जिंग एनिमेशन इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो गाइस, और बाकी कुछ खास या देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस अब हमने सारा जो है एक्सटेंशन चेक कर लिया है। गाइस आपको एक बात बता दूं कि सेटिंग्स के अंदर आप किसी भी सब सेटिंग में जाते हो तो आपको एक कस्टम एनिमेशन देखने के लिए मिलता है टॉप पर, जैसे कि डिस्प्ले पर ये था, बैटरी पर ये एनिमेशन है, और साउंड पर गाइस ये एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कस्टम एनिमेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डिस्प्ले में आपको क्या देखने के लिए मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। कलर्स को आप बूस्टेड और अडेप्टिव पर सेट कर सकते हो गाइस यहाँ से। गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फिर से एक बार लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का, जहाँ से एम्बिएंट डिस्प्ले यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और कस्टम लॉक स्क्रीन मैसेज आप ऐड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर बॉटम पर जाओगे तो गेम ड्राइवर प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आप गेम ड्राइवर इनेबल कर सकते हो गेम्स के लिए। और डिस्प्ले कटआउट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका मेरे ख्याल से कोई काम नहीं है हमारी डिवाइस के लिए। अब गाइस हम चलते हैं सिक्योरिटी पर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट और नॉर्मल लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, फेस अनलॉक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और फिंगरप्रिंट की स्पीड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट गाइस बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं आएगा आपको उसमें। डिजिटल वेलबिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है गाइस, अगर आप ओपन गैप फ्लैश करते हो साथ में। गाइस यहाँ पर आपको रियलमी सेटिंग्स ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप इसमें जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे DC डिमिंग के। और गाइस HBM यानी हाई ब्राइटनेस मोड, जिससे आपका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, आप देख सकते हैं ये डे लाइट में बहुत ज़्यादा काम आता है गाइस। और गाइस आपको ऑप्शन मिल जाता है गेम मोड का, जिससे बूस्ट होता है टच सैंपलिंग रेट, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और OTG अगर आपको इनेबल करनी है तो आपको यहाँ पर आके इनेबल करना पड़ेगा गाइस। अब यहाँ पर आपको कुछ भी खास देखने के लिए नहीं मिलता है, तो हमने पूरी सेटिंग्स ट्रैवल कर ली है गाइस। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमारी नेटवर्किंग के बारे में, तो आपको बता दूँ कि सब कुछ इसमें वर्किंग है मेरा ऑलरेडी टेस्टेड है। वीडियो कॉल्स, वोल्टी कॉल्स, 12 4G वोल्टी और हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, वाईफाई, सब कुछ इस पर वर्किंग है, किसी में भी आपको इश्यू देखने के लिए नहीं मिलता है। और अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर मजेस्क पर क्या CTS प्रोफाइल ट्रू है या फॉल्स है। ओके गाइस, तो हमारी बेसिक इंटीग्रिटी तो ट्रू मिल जाती है, पर CTS प्रोफाइल फॉल्स मिलती है। आप इसको फिक्स कर सकते हो गाइस CTS फिक्स का यूज करके, जो वायरल बंदा के चैनल पर या फिर ग्रुप पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस। अब गाइस हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की यूजेज कितनी हो गई है मेरी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑन यूजेज 4 hours 49 minutes की हो चुकी है, और जो हमारा एक्टिव ड्रेन रहा है वो 11.62% पर आर, और आइडल ड्रेन 6.24% पर आर, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितना और क्या यूज किया हुआ है, तो हम बैटरी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑन यूजेज यहाँ पर 5 hours दिखा रहा है। और यहाँ पर गाइस अगर हम जाते हैं यूजेज पर, तो आप देख सकते हैं कि 2 hours 17 minutes मैंने VLC यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और 39 minutes कॉल ऑफ ड्यूटी यूज़ किया है, जिसमें 12% बैटरी चली गई है अब तक की। और इंस्टाग्राम 29 minutes प्लस 31 minutes, और बाकी सब नॉर्मल यूजेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, और 42% बैटरी लेफ्ट है। तो मेरे हिसाब से जो बैटरी लाइफ है गाइस डिसेंट है। मैं 2 दिन से रोम को यूज़ कर रहा हूँ और डिसेंट बैटरी लाइफ मुझे मिल रही है, ना ज़्यादा खास है और ना ज़्यादा बुरी है, डिसेंट यानी एवरेज आपको देखने के लिए मिल जाती है बैटरी लाइफ। बात कर लेते हैं गाइस हम परफॉर्मेंस की, तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी इस पर खेला था और उस पर मुझे ड्रॉप्स आ रहे थे, काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स, और अभी तक मैंने इस पर पबजी नहीं खेला है, तो मैं आपके सामने पबजी खेलकर आपको दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पबजी पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने एक्सट्रीम कन्फिग अप्लाई कर रखी है, और आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो गाइस। एक्सट्रीम फ्रेम रेट आप इनेबल कर सकते हो आपके फ़ोन पर, आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, और वहाँ पर आपको देखने के मिल जाएगी कन्फिग फाइल्स, जो कि आप अप्लाई करके एक्सट्रीम अनलॉक कर सकते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको एक गेम खेल कर दिखा देता हूँ, और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस आपको पबजी पर मिल रही है इस पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, और हम जो है क्लोज रेंज में फाइट करके देखेंगे कि कुछ ड्रॉप्स वगैरह आता है या नहीं। हाँ गाइस आपको बताना भूल गया कि इस रो में आपको देखने के लिए मिल जाती है एंड्रॉयड स्टॉक स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसमें आपको वीडियो बिटरेट का ऑप्शन मिल जाता है 20 Mbps तक का। और ऑडियो सोर्स की बात करें तो आप इंटरनल ऑडियो पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्क्रीन रिकॉर्ड करके देखते हैं, और देखते हैं कि गेम पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं।
तो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल कर दिया गाइस, और आप देख सकते हैं फ्रेम रेट यहाँ पर एकदम से ड्रॉप हो गए, अभी 60-59 में मिल रहा था, अब 46 तक पहुँच गए। तो गाइस वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करते ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक से लैग आने लगा, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो मैं इसको बंद करूँगा गाइस, तभी गेम खेल पाऊँगा, वरना मैं मर जाऊँगा। तो चलो इसे बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन पैनल है इस पर ट्रिगर दिख जाएगा इसको स्टॉप करने के लिए, तो इसको स्टॉप आप कर सकते हैं। ओके, तो हमारे साथ हो गया भाई कांड, और आप देख सकते हैं कि हम मर चुके हैं स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, और वैसे आपको अच्छी फ्रेम रेट मिल रही थी, 60-59 मिल रही थी, पर स्क्रीन रिकॉर्डर आप इनेबल करोगे तो 45 तक आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो यार पबजी तो अच्छा चल रहा था, पर स्क्रीन रिकॉर्डर ने जो है दिमाग ख़राब कर दिया है। और अब हम बात कर लेते हैं इस बग्स की, तो इसमें आपको कोई भी ज़्यादा बग्स देखने के लिए नहीं मिलते, पर एक मेजर आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से नॉन बग है, और इसका फिक्स भी अवेलेबल है। फिर जब भी आपके पास कॉल वगैरह आता है या फिर आप कॉल करते हो तो आपकी आवाज़ सामने वाले तक नहीं जाती, उसको फिक्स करने के लिए आपको ऑडियो फिक्स करना पड़ेगा फ्लैश, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। तो रोम का लिंक और गैप्स का लिंक और जो फिक्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, और जो फ्लैशिंग प्रोसीजर है वो भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको जल्दी से हेल्प मिल जाती है किसी भी क्वेरी की। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।